नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव प्रगति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो मिल्क मेजरिंग ग्लास होता है, दूध नापने वाला ग्लास, उससे आप बिना किसी पैसे खर्च किए घर पे ही कैसे खुद का ऐसा ब्यूटीफुल प्लांटर क्रिएट कर सकते हैं। तो शुरू करें। तो सबसे पहले आपको ये एल्युमिनियम का मेजरिंग ग्लास लेना है, मिल्क मेजरिंग ग्लास है, और इसके ऊपर आपको ब्लैक पेंट करना है। मैं फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ, और अभी तो मैं एक कोट मार रही हूँ, और ज़रूरत पड़ी तो सेकेंड कोट भी मारूँगी। मैंने इसको चारों तरफ से ब्लैक पेंट कर दिया है। इसको मैंने छोड़ दिया, ये मैं लास्ट में करूँगी ताकि इसको पकड़ के मुझे रोटेट करने में इजी रहता है। तो आप भी इसको लास्ट में ही पेंट करना। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा कम्प्लीटली सूख चुका है। मैंने अंदर भी इसके हाफ में अंदर तक कर दिया है पेंट। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि जब आप ये पेंट करते हो ना ब्लैक, उसके पहले आपको नीचे में एक होल ड्रिल कर लेना है, ताकि जो भी आप प्लांट इसके अंदर रखोगे और जब पानी डालोगे तो एक्स्ट्रा वाटर यहाँ से फ्लो हो जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ नीचे बॉटम में पहले होल कर ले एंड फिर उसके बाद पेंट करें। फिर उसके बाद आप वाइट जेल पेन लेकर आप इसमें अपनी डिज़ाइन बना लीजिए, जैसा कि आप पेंट करना चाहते हैं। जैसे मैं वाइट से पूरा एक सर्कल बना लूँगी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये वाइट जेल पेन से ऐसे चारों तरफ बाउंड्री बना ली। अब मैं इसके बाजू में एक और ऐसे बाउंड्री बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं, मैंने जेल पेन यूज़ करके ये दोनों लाइंस बना लिए हैं। अब इसी जेल पेन के थ्रू मैं पूरे अपनी डिज़ाइन इस पर क्रिएट कर लूँगी और फिर उसके बाद उसको पेंट कर दूँ। तो आप देख सकते हैं, मैंने अपनी बाउंड्रीज डिफाइन कर ली है। अब मैं इसी के ऊपर पेंट करूँगी, तो मुझे पेंट करने में इजी रहेगा। अब वाइट कलर लेके और जो बाउंड्री मैंने बना रखी है उसके ऊपर आप ये वाइट कर दो। तो ये दोनों वाइट ऊपर के मैंने पेंट कर दिए हैं। अब यहाँ मिडिल पोर्शन पे आऊँगी मैं, तो यहाँ पे हमको रेड करना है। सिंगल कोट में रेड इतना ब्राइट नहीं लगेगा, इसलिए आप इसको डबल कोट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जब आपका रेड का डबल कोट हो जाए, तब आप एक बर्ड ले लीजिए और उसको वाइट पेंट में ऐसे डिप कर लीजिए। डिप करने के बाद आप इस रेड पेंट के ऊपर ऐसे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे एक डॉट बना लीजिए। तो क्या होगा, ये सारे डॉट्स इक्वल साइज के हो जाएंगे और फटाफट भी बन जाएंगे। मैंने ये पहले से ही ज़िगज़ैग ऐसे लाइंस बनाई थी, सिर्फ दो बनाई थी, ताकि ये दोनों बाउंड्रीज़ मुझे पता चल जाए कितना गैप रखना है। तो अब मैं इसको कंप्लीट करूँगी। इसको भी आप वाइट से पेंट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ज़िगज़ैग लाइन चारों ओर बना दिया है। अब आपको इसको फिल करना है वाइट से, ये पोर्शन ऐसे, जितने भी ये दिखा रही हूँ मैं, ये सब आपको वाइट में पेंट करना है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये पेंट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आती हूँ इस पोर्शन पे। तो यहाँ पे ये ऊपर ये दोनों लाइंस मैं बाद में करूँगी, पहले मैं ये वर्ली आर्ट शुरू कर दूँगी।
वाइट सी, ये मैंने पहले स्केच किया हुआ था, मैं बस उसी के ऊपर ये चला रही हूँ। इसी तरीके से इसके ही लाइन में आपको सारे बनाते जाने हैं। मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, अगर आप चाहो तो पहले स्केच कर लीजिए फिर बना सकते हैं। जब आपका ये वर्ली आर्ट चारों तरफ पेंट हो जाए तब आप ऊपर नीचे ये दोनों पेंट कर लीजिएगा ऑरेंज पेंट। मैं ये ब्रश में ले लेती हूँ ऑरेंज कलर और इसको पेंट कर लूँगी। ये ऑरेंज पेंट भी आपको डबल कोट मारना है। मैं अभी सिंगल मार रही हूँ, फिर बाद में डबल मारूंगी। ये नीचे भी कर लेती हूँ मैं। इसी तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। जब आपका ये वर्ली आर्ट कंप्लीट हो जाए और ये ऊपर नीचे की दोनों लाइंस कंप्लीट हो जाए तब हम आएंगे टॉप पोर्शन पे। टॉप पोर्शन पे आपको वाइट स्लांटिंग लाइंस बनानी है, तो दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसे बना लेनी है वाइट पेंट से। अगर फेंट लग रही हो लाइंस तो आप उसको डबल कोट कर लो और इसी तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। तो जब आप ये स्लांटिंग लाइंस पूरी इधर चारों तरफ पेंट कर लेंगे तब इस मिडल पोर्शन पे आती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने ये स्टिक किया है ग्रीन बॉल लेस। यहाँ पे ऐसे आप साइज का कट करके यहाँ पे स्टिक कर लीजिएगा इस साइड। एंड सिमिलरली जो इसका सेंटर है, आपका प्लांटर का जो सेंटर है, वहाँ पे मैंने ये फ्लावर मार्केट से ख़रीदा हुआ है मेरा ये फ्लावर और ये पैरेट, दोनों साइड मैंने यहाँ पर ऐसे स्टिक कर दिया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये कंप्लीट लुक कैसा होगा इसका। ये इसका कंप्लीट लुक है, आप देख सकते हैं। ये फ्लावर, ये पैरेट, ये ग्रीन वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया वो मैंने स्टिक कर लिया है। ये स्लांटिंग लाइंस आपको मैंने बताया है कि कैसे पेंट करना है। ये वर्ली आर्ट चारों तरफ आपको यू पेंट करना है। सारा मैंने आपको ट्यूटोरियल में बता दिया है, जस्ट फॉलो इट। और ये आपका कंप्लीट लुक है विच यू विल गेट आफ्टर कंप्लीटिंग।